रामनवमी है, अयोध्या में रामनवमी को लेकर राम मंदिर में कई तरह के आयोजन होंगे। सबसे खास होगा रामनवमी पर भगवान राम का सूर्य तिलक। भगवान राम के सूर्य तिलक पर अयोध्या में सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रामनवमी पर लाखों भक्तों के अयोध्या पहुंचने की उम्मीद भी जताई जा रही है, और ऐसे में राम भक्तों के लिए क्या क्या इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या से बीजेपी सांसद हैं और मौजूदा उम्मीदवार हैं लल्लू सिंह, उन्होंने रामनवमी की तैयारियों पर न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, जरा सुनिए। रामनवमी के लिए भव्य तैयारी शुरू कर दी गई है और खुद सांसद भी सड़क पर उतरकर व्यवस्था को दुरुस्त करने का दावा कर रहे हैं। और आप यहां पर ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह, जिनका टिकट भी रिपीट किया गया है, वो खुद सड़कों पर यहां पर उतर गए हैं। ऐसा नहीं कि हमें दिखाने के लिए यहां पर उतरे हैं, ये दावा कर रहे हैं, ये व्यवस्था देखने उतरे। भैया सर, ये बताएं कि सबसे पहले तो आपका टिकट यहां पर रिपीट हुआ, और क्या उसी के जोश में आप आए हैं यहां पर सड़कों पर निकले? नहीं, पूरा जीवन हमने अयोध्या की सेवा करने के लिए, प्रभु श्री राम की नगरी सुंदर बने, प्रभु श्री राम के लिए जो जन आंदोलन हुआ उसमें हमने काम किया, इसलिए हमारे लिए अयोध्या बहुत ही महत्वपूर्ण है। रामनवमी में पिछले सालों से बहुत ज़्यादा भीड़ आने वाली है, इसलिए हमारे विचार परिवार का, हम सब लोगों की इच्छा कि जो भी श्रद्धालु आए उनके लिए पानी की व्यवस्था ठीक हो, भोजन की व्यवस्था ठीक हो, प्रशासनिक अधिकारी भी निरंतर रातों दिन लग करके उन व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। देखिए, ये सांसद लल्लू सिंह जी हैं और खुद ई रिक्शा पर बैठकर हमें सारी परिस्थिति हमें यहाँ पर बता रहे हैं। मैं बगल में बैठूंगा। पिछली बार रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह के वक्त देखा था कि बहुत ज्यादा वो था, भीड़ इकाई का अनियंत्रित होने के कगार पर आ गई थी, तो उस पर क्या आपने कुछ प्रशासन से भी गुहार लगाई है? नहीं नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी आचार संहिता लगने के पहले आए थे, उन्होंने यहाँ पर उस जो संभावित भीड़ है उस हिसाब से उन्होंने उस प्रकार की व्यवस्था ठीक से हो इसके बारे में निर्देश दिया था। राजनीतिक माहौल में आप किस तरीके से अपने आप को अपने अपोनेंट के प्रति आप एकदम कहते कि नहीं ठीक है, हम एकदम मार दे देंगे? देखिए क्या है ना, आज पूरे देश में मोदी जी ने जो काम किया, गरीब कल्याण की जो योजनाएं चलाई, जो मोदी जी विकास का काम कर रहे हैं, जो मोदी जी आम आदमी को सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, और जो आम आदमी से उनका सीधे लगाव, उसके कारण आज आम आदमी ये मानता है कि देश की आज़ादी के बाद शायद पहला प्रधानमंत्री जिसने हमारे बारे में चिंता किया, जिसने हमारी हमारे दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने का काम किया और हमको सम्मान के साथ रह सके इसकी व्यवस्था। तो ये थे अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह जी, और विस्तृत तरीके से हमें यह बताते हुए ई रिक्शा में कि कैसे, देखिए तो देखिए सवारी भी इन्होंने की और ये पैसा भी अदा कर रहे हैं, तो कुछ इस तरीके से यह जनता में रामनवमी को लेकर ये संवाद कर रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। कैमरा पर्सन ईश्वर के साथ अमित पांडे, अयोध्या, न्यूज 18 इंडिया।